इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में अपना हाथ आजमा रही है। आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी मुकेश गोयल ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची, भोपाल के 26 वार्ड की घोषणा की। नमस्कार पत्रकार बंधुओं, नगर निगम और स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, चाहे नगर परिषद है, नगर परिषद है, नगर पालिका है और नगर निगम है। आज हम 247 प्रत्याशियों की लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। इसमें नगर परिषद के लोग भी हैं, नगर पालिका के लोग भी हैं, नगर निगम के लोग भी, और भोपाल और इंदौर जैसे शहरों के लोग भी इनमें प्रत्याशी हमारे सम्मिलित हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हो वो हमारे CCC के फार्मूले पे हो, करप्शन मुक्त हो, क्रिमिनल ना हो, किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला ना हो, ईमानदार व्यक्ति हो, छवि अच्छी हो। इसी उम्मीद कड़ी के तहत हम अपने किस्तों के अंदर अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा प्रत्याशी ऐसा हो जिसके ऊपर समाज के लोग ब्लेम लगाएं। हमारा प्रयास यही है और इसके अंदर हमने सभी लोगों को समायोजित किया, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे वो महिलाएँ हों, महिलाओं के अंदर भी अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएँ हों और जो समाज सेवा के कार्य करती रही है। तो इस प्रकार से, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यही लक्ष्य है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विकल्प बनकर जनता के बीच में जा रही है, और हमें आशा है कि जनता इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है, और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता का हमारे को समर्थन मिलेगा और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे। जल्दी ही हम कल या परसों में अपने महापौर प्रत्याशियों की भी लिस्ट को जारी करेंगे, और जो हमारे महापौर प्रत्याशी होंगे उसमें भी सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ हमारे जो कार्यकर्ता होंगे, आम आदमी होगा, वो भी एक मुकाबला करने के लिए सामने होगा, क्योंकि बड़े बड़े शहरों के अंदर आम आदमी पार्टी तो एक साधारण से कार्यकर्ताओं पर चलती है, यहाँ कोई धना सेठ नहीं है। यहाँ जो वो लोग चुनाव लड़ेंगे तो उनका हमें यह भी पता है कि उन धरना सेठों से चुनाव होगा, चाहे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी जमीन से जुड़े हुए होंगे, वो किसी धनबल के दम पे नहीं होंगे या उन्हें कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, वो जनता का व्यक्ति होगा, उसे शहर का व्यक्ति होगा, शहर का जाना माना नाम ना हो बेशक से, लेकिन वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होगा। और अच्छा से अच्छा हम प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर महापौर पद के ऊपर लड़ाई हो रही है। उनके फैसले भोपाल में बैठ के नहीं हो पा रहे, उनके फैसले दिल्ली के में जाना पड़ रहा है। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि वहाँ महापौर पद के लिए कितनी मारधाड़ लगी हुई है, लेकिन हम यह स्वच्छ छवि के व्यक्ति को महापौर बनाना चाहते हैं, और आशा है कि कल या परसों में हमारे वो सारे उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाएंगे। आपको सूचित सूचना मिल जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे पंकज जी आपको सारी बातों से अवगत करा देंगे, और निश्चित तौर पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है, और हमारा प्रयास होगा कि हम आम आदमी पार्टी जनता के जो विश्वास है उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करें। आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप राजधानी कितने राजधानी के कितने एक बूथ निकल रही है।